आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम वीकेंड चर्चा। दोस्तों, सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और सर्दियों के साथ एक सबसे बड़ी जो पहल थी वो थी उत्तर प्रदेश सरकार की यूनिफॉर्म योजना, जो 22 अक्टूबर को एक कैबिनेट में एक प्रस्ताव डाला गया था, जो पारित हो गया था कि जो कक्षा एक से आठवीं तक के बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, जो सरकारी स्कूलों में, उन सभी बच्चों को ड्रेस के लिए पैसे दिए जाएंगे। यानी ये पैसे DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तरह से उनके अभिभावकों के खाते में भेजे जाएंगे, पर अब तक ये व्यवस्था लागू नहीं हुई। सबसे पहला सवाल तो ये रहेगा कि जो 1100 रुपये दिए गए थे वो क्या काफ़ी थे? जो बनाया गया है कि 1100 रुपये में आपको यूनिफॉर्म भी हो जाएगी, स्वेटर भी हो जाएगा, जूते भी हो जाएंगे, बैग भी हो जाएगा, मोजे भी हो जाएंगे, पहले तो ये नाकाफी है। और दूसरा, अब तक इस मामले में कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ है। कितने अभिभावकों के खाते में पैसे पहुंचे हैं कुछ नहीं पता। अगर हम बात करें राजधानी लखनऊ की, तो राजधानी लखनऊ में भी यही हाल है और कई लोगों के क्या कहीं भी ये जानकारी नहीं मिल पा रही है कि अभिभावकों के खाते में पैसे पहुंचे हैं। सरकार योजना बनाती है, अधिकारी इसको क्रियान्वयन करने में कहीं ना कहीं ढीला रवैया अपना रहे हैं। देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से आज ये मुद्दा उठाया है, ये मुद्दा सर्दियों को देखते हुए बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर ये मुद्दा नहीं उठाते तो नौनिहालों का क्या होता जो स्कूल में पढ़ने जाते हैं और जो सर्दियों का सामना करेंगे, क्योंकि मौसम विभाग पहले बता चुका है इस बार ला नीना के चलते कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। देखते हैं ये रिपोर्ट। अभी तो वो तो खैर उसमें खाता बच्चों मतलब गार्जियनों की मीटिंग जो कराई गई है उसके थ्रू मतलब बुलाया जाएगा, फिर खाते में चेक कराया जाएगा कितनों के आया है कि कितना नहीं आया है, तो और जो भर के जो जमा करना था कागज़ वो तो यहाँ से भेजा जा चुका है, हाँ, गार्जियनों के पास है, और क्या कहते हैं वहाँ से पता करना पड़ेगा DVT, वो वहाँ से जा कर के मतलब गार्जियनों का खाता वो बैंक का पासबुक वासबुक मंगा के देखना पड़ेगा कि हाँ आया है कि नहीं आया है। नहीं, अभी तो नहीं, लगभग हो चुके हैं 25 नवंबर तक हुई, हाँ ठंडी तो आ ही गई। पुराने ही पहन के आ रहे हैं सब, जूता मोजा सब पुराने पहन के आ रहे हैं, जो पहले मिला था वही स्वेटर और जूता मोजा। ड्रेस मिलता था, जूते मोजे मिलते थे, स्वेटर मिलता था, बस्ता, कॉपी किताब, ये सारी चीज़ें, और मिड डे मील जो खाना मिलता है जी। ये चीज़, हाँ ये चीज़ समझाया गया, सारे गार्जियनों को बुलाया गया और मीटिंग कराई गई कि अब ड्रेस और ये जूते मोजे इन सबों की जगह आप लोग के खाते में 1100 रुपये आएंगे, और जिससे आप लोगों को बच्चों को ड्रेस और जूता मोजा और ये स्वेटर खरीद करके हाँ दिलाने पड़ेंगे PT के माध्यम से। बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंश है। अंश, तो आपने जो ड्रेस पहना है वो कब का है? सर ये तो पुराना हो चुका है। ये पुराना हो चुका है, पिछले साल आपको मिला था? ये सर। तो क्या जो 1100 रुपए सरकार इस बार आप लोग के पिता के खाते में भेज रही है, गार्जियन के खाते में भेज रही है, वो आया है? नो सर, अभी नहीं आया। अभी नहीं आया है। और आपने जो पुराना स्वेटर है वो क्यों नहीं पहना है? सर वो मेरा छोटा स्वेटर छोटा पड़ चुका है सर। छोटा पड़ चुका है आपका? यस सर जी। तो पिछले साल जब आपको ड्रेस मिला तो क्या क्या चीजें मिली थी? सर पिछले साल जूता मोजा बैग और स्वेटर ड्रेस मिले थे सर, सब छोटे हो चुके। प्रतानवी विद्यालय, ये मार्टिन पूर्व में पढ़ता। अभी तो नहीं आए, अभी तक नहीं आए। ड्रेस थी, स्वेटर था और जूता था। नहीं नहीं वो नहीं था, पैंट, हाँ पैंट थी, पैंट थी, हाँ, नहीं खरीद नहीं पाएंगे, सिर्फ ड्रेस ही आ पाएगी खाली। अभी इतनी महंगाई है, कहाँ खरीद पाएंगे भैया? मोजे हैं, जूते हैं, पैंट शर्ट है, कहाँ से खरीद पाएंगे? जी हाँ लिए गए, हाँ 15 दिन हो गए लगभग, नहीं आया अभी तक, अभी तक नहीं आया। तो सबसे बड़ा मुद्दा कि 1100 काफी है, और अगर काफ़ी हैं तो कितने काफ़ी हैं, और अगर काफ़ी हैं भी तो अब तक पहुंचे क्यों नहीं? इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से बैठे हैं देशबंधु दीक्षित और आम आदमी पार्टी से प्रितपाल सिंह सलूजा। आप दोनों का इस वीकेंड चर्चा कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे बड़ी बात तो यह है, जो अगर हम अपना मुद्दा शुरू करेंगे तो पहले पूछेंगे भारतीय जनता पार्टी
के जो प्रवक्ता है उनसे कि क्या 1100 रुपए काफी है, क्या कहना चाहेंगे दीक्षित जी? उठाया है, लेकिन आप बार बार इस चीज को उभार करके 1100 रुपए काफी हैं, तो आपकी मैं जानकारी के लिए बता दूं, जैसे आप अभी एक बच्ची का इंटरव्यू देख रहे थे, पिछले साल भी उनको देखिए जूते मोजे हमारी सरकारों ने सभी की व्यवस्था की। विगत आपको भी सभी की जानकारी आप पत्रकार बंधुओं को है ही कि पिछले 2-2.5 वर्षों से हमारा देश एक वैश्विक अदृश्य वैश्विक महामारी से पीड़ित है, और जहां तक उस कोरोना काल के बीच भी हमारे श्रद्धेय मुख्यमंत्री के जीवटता का प्रमाण है कि उन्होंने ODOP एक जिला एक उत्पाद, यह हमारी एक बहुत ही मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें हमने सस्ते दामों पर कच्चा माल उठाया और उनको अपने ही देश की फैक्ट्रियों में निर्मित करा के हमने बच्चों के लिए जूते मोजे स्वेटर और कपड़े पैंट शर्ट की व्यवस्था की। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमारी लागत में भी कमी आई, और रही बात मुद्दे की नहीं होती, बात होती है गुणवत्ता की, और उसको लेकर हमारी सरकार प्रतिबद्ध है बच्चों को समय पर और उचित दाम पर और अच्छी क्वालिटी की ड्रेसें समय पर मुहैया कराई जाएंगी। पिछली बार भी दीक्षित जी आपको बता दूं, ये DBT वाली व्यवस्था क्यों बनाई गई है कि पिछली बार जो स्वेटर दिए गए थे वो छोटे थे या उनकी गुणवत्ता खराब थी, इसके अलावा कई लोगों को स्वेटर मिले ही नहीं थे या लेट मिले थे, उसको देखते ही योगी सरकार का बड़ा निर्णय था कि हम ये व्यवस्था ही हटा देंगे और सीधे जो राशि है वो अभाविका को खातों में DBT के माध्यम से भेजेंगे, वो स्वयं ले सकते हैं, जिससे खराब गुणवत्ता या ना पहुंचना जैसी जो समस्याएं थी वो खत्म हो जाएगी। पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि अब तक वो राशि पहुँचाई क्यों नहीं गई, ये प्रयास क्यों नहीं गए कि अधिकारियों समीक्षा क्यों नहीं की गई कि अब तक सर्दी शुरू हो चुकी है और इस बार मौसम विभाग का भी अनुमान है कि ला नीना के चलते जो कि अगस्त और सितंबर में वर्षा हुई थी उसके चलते इस बार कड़ाके की सर्दी पड़ेगी, उस मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक लगातार सर्दी पड़ रही है, पर अब तक अभिभावकों के खाते में राशि क्यों नहीं भेजी गई? क्या हम गर्मी का वेट करेंगे? क्या यह स्वेटर गर्मी में आएंगे या राशि गर्मी में जाएगी? अधिकारियों से इस बारे में क्यों बात नहीं की गई कि अब तक ये योजना को क्रियान्वयन ढंग से क्यों नहीं हुआ है? नहीं गौरव जी, इस बात पे मैं आपकी आपत्ति जताना चाहता हूँ। अधिकारी हमारे जो है पूरी अपनी कर्मठता से प्रयास कर रहे हैं, और चूंकि मैंने आपको बताया कि एक अदृश्य हम वैश्विक महामारी से जूझ रहे थे, तो हमारे कुछ जगहों पर हम इस बात से आपके इनकार नहीं करते कि हमारे कुछ जिला में या कुछ केंद्रों पर लखनऊ की बात कर रहा हूँ, राजधानी लखनऊ की बात हो रही दीक्षित जी, राजधानी लखनऊ का ये हाल है और जिले की बात नहीं करूंगा मैं। राजधानी लखनऊ भी आपने देखा इस कोरोना से सबसे ज्यादा जूझ रहा था, हमारे सभी केंद्र व्यवस्थापक सभी जो है अधिकारी जो है सबसे पहले जीवन के लिए बचाव के लिए एक एक सबके वेंटिलेटर ऑक्सीजन की व्यवस्था और सभी मरीजों के उचित इलाज के लिए दवाइयों की व्यवस्था में लगे थे। कोई इस बात से मैं आपकी इनकार नहीं कर सकता हूं गौरव जी कि कुछ जगह देरी हुई है, इसके लिए हमारी सरकार प्रयासरत है सबको समय पर, जैसे अभी जाड़े के लिए आपने देखा मुख्यमंत्री जी ने जैसे ही देखा, आज आप विगत में कल की ही बात करूं, जैसे ही तापमान में गिरावट देखी उन्होंने पूरे आदेश दे दिए कि सभी के खातों में त्वरित जल्द से जल्द पैसे पहुंच जाएंगे, और जहां नहीं पहुंचे उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आप मानते हैं ना कि अधिकारी अब तक पैसे नहीं पहुंचाए हैं? नहीं, मैंने कहा ना कुछ एक जगहों पर देरी हो सकती है, वहां पे सिस्टम जो खामियाजा है आपूर्ति और डिमांड की हो सकता कहीं चेन टूटी हो, इस बात से मैं इनकार नहीं करता। चलिए, आम आदमी पार्टी से वहां से इमरान लतीफ जुड़ गए, जानते हैं कि क्या कहना होगा उनके समर्थ पर। इमरान जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी हाँ जी, आवाज आ रही है जी। देखिए, जो ये 1100 रुपए जो दिए जा रहे हैं, पहली बात तो इसमें यह है कि क्या 1100 रुपए में जितने सामान बताए जा रहे हैं छात्रों के लिए क्या वो परचेज किया जा सकता है, पहली बात तो ये है। तो 1100 रुपए का चेक जो है माननीय शिक्षा मंत्री को हमारे राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह जी ने भेजा था, आज तक वो एक बस्ता खरीद के नहीं ला पाए हैं बच्चों के लिए। जहां तक रही दूसरी बात, इसमें जो पैसे 1100 रुपए का वादा किया गया उसमें भी तमाम अनियमितताएं सामने आ रही है, वो अकाउंट में नहीं पहुंच पा रहा है बच्चों के। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि इस 1100 रुपए में जो
सामान बताए जा रहे हैं बच्चों के लिए उनको खरीदना सुनिश्चित करना ये वहाँ के प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी है, उसके जो है जो क्लास टीचर है उसकी जिम्मेदारी निर्धारित करी गई है। अब आप ये बताइए कि 1100 रुपए किसी के अकाउंट में डाले गए, किसी छात्र के अभिभावक के अकाउंट में डाले गए और उसने उसको किसी दूसरे मद में खर्च कर लिया, किसी दूसरी जरूरत में खर्च कर लिया, तो ये अध्यापक कैसे सुनिश्चित कर पाएंगे? इसका मतलब ये हुआ कि अब अध्यापक जो है 6 महीने तक तो अभी तक इंतजार कर रहे थे कि बस्ते दिए जाएंगे, जूते दिए जाएंगे, शूज दिए जाएंगे, सारी चीजें आएंगी, अब 6 महीने बाद जब मिला है तो उसके बाद अध्यापक और प्रिंसिपल ये काम करें कि घर से अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर बच्चों को ले जाएं, बाजार में सामान खरीदवाएं। तो कुल मिलाकर ये एक तमाशा करने का काम राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है, माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। कहीं से भी ये उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए न तो गंभीर है और न इनके पास कोई रोड मैप है। पूरी तरीके से शिक्षा व्यवस्था के मामले में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार विफल रही है, इनका शिक्षा मंत्रालय विफल रहा है। क्या कहना चाहेंगे दीक्षित जी इस बात पर? जेबरान लतीफ बोले अभी। मैं अपने साथी प्रवक्ता की बात से पूरी असहमत हूँ। गौरव जी आप भी जानते हैं इस कोरोना महामारी में सबसे ज्यादा अगर शिक्षा की व्यवस्था और बच्चों की शिक्षा और उनके स्वास्थ्य के लिए किसी ने चिंता किया तो हमारे श्रद्धेय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ हैं। आपने देखा सरकारी स्कूल का भी जो शिक्षक रहा उसने भी तकनीकी से युक्त होकर ऑनलाइन शिक्षा को परिपूर्ण किया और यही बात इन्होंने भ्रष्टाचार की। आपने पूर्ववर्ती सरकारों के प्रधानमंत्री का वक्तव्य सुना था कि जब हम एक रुपए भेजते थे तो उसमें 10 पैसे पहुंचते थे, 90 पैसे भ्रष्टाचार के। और इन्होंने जो शंका की कि दूसरे मद में खर्च हो जाते हैं, मैं इनको निश्चित बताऊं भारत आज का वह भारत नहीं रहा, अब वह मूक मोहन मनमोहन की सरकार नहीं रही। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री एक शक्तिशाली प्रधान है। आपने देखा एक जिला एक उत्पाद के माध्यम से हमारे देश के और वह गुणवत्ता पूर्वक उन्हीं कम से कम पैसों में अच्छी से अच्छी ड्रेस, अच्छे से बैग और अच्छे से अच्छे जूते उपलब्ध करा रहे हैं। मैंने आपको पहले भी डिबेट के पहले अंश में भी बोला कुछ एक जगह अपवाद हो सकता है लेकिन इस बात से मैं पूरी तरह आपको आश्वस्त करा दे रहा हूँ कि एक करके लेंगे भाई। जाड़ा पूरा होते हैं भाई, आपको लेते हैं अभी जी बोल रहे हैं, बोल लेंगे समय से ड्रेस और उनके लिए जो जाड़े के लिए जो उचित व्यवस्था है वो हमारी सरकार जरूर करेगी। शहर आवाज चली गई है। इमरान लतीफ जुड़े हुए हैं। जी हाँ जी हाँ, आवाज। इमरान जी जवाब दीजिए। देखिए मैं दीक्षित जी से बड़े प्रेम से बात कह रहा हूँ कि मैं 1100 रुपए वो लखनऊ में जहाँ बताए मैं उनको देने को तैयार हूँ और जो 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 चीजें जो जो सामग्रियां बताई गई हैं अगर वो 1100 रुपए मुझे खरीद के दे देते हैं तो मैं इनकी सारी बातों को सच मानूंगा। लेकिन 1100 रुपए में ये स्कूल के बस्ते की बात कर लीजिए, पैंट शर्ट की बात कर लीजिए, जूते मोजे की बात कर लीजिए, स्वेटर की बात कर लीजिए, किसी भी कीमत पर ये 1100 रुपए में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं भी नहीं खरीदा जा सकता। पहली बात तो ये है। दूसरी बात जो इन्होंने कहा कि कोरोना के समय में ऐसा किया वैसा किया, कोरोना के समय में विद्यालय बंद थे, आवासीय बालिका विद्यालय में 9 करोड़ रुपए का गबन करने का काम किया गया। स्कूल बंद था लेकिन खाने के नाम पर पैसा निकाला गया, स्कूल बंद था तो उसके बाद भी 9 करोड़ का गबन हो गया। कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश के सभी विभागों को लूट खसोट का अड्डा बना दिया है योगी जी की सरकार ने, इनके मंत्रियों ने। ये मामला शिक्षा में आप साफ साफ देख रहे हैं। अभी जो मार गुणगान कर रहे थे अपनी शिक्षा व्यवस्था के बारे में, अपने स्कूलों के बारे में, मैं जीता जागता उदाहरणों सिद्धार्थनगर जनपद से आता हूँ और सिद्धार्थनगर जनपद से शिक्षा मंत्री श्री सतीश द्विवेदी जी भी आते हैं। मैंने उनकी विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसे आवासीय बालिका विद्यालय से पूरी दुनिया को रूबरू कराने का काम किया था जिस आवासीय बालिका विद्यालय में बालिकाएं रुकती हैं, रहती हैं, वहां पढ़ाई लिखाई करती हैं, वहां पे ना तो बाउंड्री वॉल थी ना तो वहां के शौचालयों में दरवाजा था, उसी क्लासरूम में बच्चियां पढ़ती हैं, उसी क्लासरूम में खाना बनता है, उसी क्लासरूम में बच्चियां रात को सो जाती हैं। इस तरह की व्यवस्था सिद्धार्थनगर के अंदर माननीय सतीश द्विवेदी जी के विधानसभा क्षेत्र में मैंने दिखाया था स्टिंग ऑपरेशन करके। तो ये एक पूरी व्यवस्था रही है उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था जो कहीं से भी छात्रों के हित में नहीं है, छात्रों के लिए बेहतर नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो शिक्षा के मामले में उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह जवाब लेते हैं। दीक्षित जी जवाब दीजिए इस पे। नहीं, मैं अपने मित्र को बता दूं
जैसे इन्होंने कहा 1100 रुपए ये मुझे दे देंगे, मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं, हो सकता है उसमें भी आपके कुछ पैसे शेष बच जाएं, वो आपके काम आ जाएं। और रही बात आरोप प्रत्यारोप लगाने की, इन्होंने हमारे भारत के वैज्ञानिकों पे शक किया एक करके इमरान जी आपका भी बारी आएगी एक एक करके। हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने जब लगवाया तो उस वैक्सीन को इन्होंने मजहबी नाम देकर, वैक्सीन की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, 1100 की जो राशि है वो काफी है और काफी है तब तक पहुंची नहीं, इस पर बात हो रही है। बात सुनिए, मैंने आपसे कहा हर समस्या का एक समाधान होता है और हमारी सरकारें चाहे वह केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, ये प्रयोगशाला है वैक्सीन बनाने के लिए, जहां पूरे देश के अविकसित से विकसित देश लगे थे हमने भी वह काम किया और आपने देखा न्यूनतम में, इससे पहले भी आपकी जानकारी के लिए वैक्सीन पे मुद्दा नहीं है दीक्षित जी, वैक्सीन का मुद्दा नहीं है। आप मेरी नहीं, इन्होंने जो बात कही 1100 रुपए उसका मैं उत्तर दे दूं, फिर मैं आपकी पूरी बात बताइए। आपने इससे पहले भी देखा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने, जहां पूरा देश जो है हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहा, आपने देखा होगा इसी सरकार में मिशन मंगल जैसा भी सफलतम प्रयोग किया गया। मिशन मंगल हो गया, वैक्सीन हो गया, वैक्सीन में जो कीर्तिमान स्थापित किए उसके लिए बधाई, उसके लिए बधाई देता हूँ। पर अभी यहाँ बात चल रही है बच्चों के, नौनिहालों के स्वेटर की, उनकी ड्रेस की, उनके जूते मोजों की, उनके बैग की, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मैं मिशन मंगल और वैक्सीन की बात नहीं कर रहा हूँ। वैक्सीन में जो सुन लीजिए मेरी बात को, वैक्सीन में जो कीर्तिमान है उसके लिए बधाई देता हूँ सरकार को, केंद्र सरकार को, अच्छा काम किया है। गौरव जी मेरी बात सुनिए, जितने में हमारी बसें 1.5 किलोमीटर का सफर करती थी उतने पे हम मंगल यात्रे, बात पैसे की नहीं होती है, बात होती है वस्तुओं की गुणवत्ता की और उनकी समुचित व्यवस्था की। इनकी सरकारों ने जो किया वो कायाकल्प, अब इन्होंने जो बात की हमारे एक मान लीजिए किसी विद्यालय की इसे बात की, शिक्षा व्यवस्था को नकल माफियाओं का अड्डा इनकी सरकारों ने बनाया। नकल की बात नहीं हो रही दीक्षित जी, यहाँ पर डाइवर्ट हो रहा क्वेश्चन। और आपने देखा इस कोरोना में गौरव जी, आपकी कोरोना निकल गया, कोरोना निकल गया, अब तीसरी लहर की दस्तक है। सरकार बंधु है, 22 अक्टूबर को निर्णय हुआ था कैबिनेट में, 22 अक्टूबर को निर्णय हुआ था। उस विकट काल में भी हमारे उसी सरकारी विद्यालय के लोगों ने अपडेशन किया, सबके पास उचित समय पे लैपटॉप पहुंचे और सारे, यहाँ लैपटॉप की बात नहीं हो रही है, 1 से 8 साल के बच्चे, 1 से कक्षा 8 तक के बच्चे लैपटॉप नहीं चलाते हैं दीक्षित जी, यहाँ पर केवल और केवल यूनिफॉर्म योजना की बात हो रही है। कि अगर 1100 रुपए काफी है और मैं काफी भी मान लूं आपके मुताबिक कि सब कुछ आ जाएगा, पैसे बच भी जाएंगे, तो अब तक पहुंचे क्यों नहीं, अब तक ऐसी योजना में। अगर आप पैसे से ही मूल्यांकन करते हैं गुणवत्ता का तो मैं आपकी इस बात से इनकार कर सकता हूँ। तुलसी का पौधा होता तो बहुत ही सस्ता है, सभी के घरों में पाया जाता है, अब तुलसी का पौधा सस्ता कोई नहीं मिल जाएगा, तुलसी के पौधे का पेंशन कोई मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। जवाब ले लेते हैं विदेशी टॉनिक पीजिए तो वह मूल्य में बहुत ज्यादा उसका मूल्यांकन होगा, लेकिन क्या वो प्रभाव करेगी जो हमारी फ्री की तुलसी है? तो मूल्यांकन से किसी की गुणवत्ता का आप चले मूल्यांकन नहीं करते हैं, राशि अब तक पहुंच नहीं पा रही है। राजधानी लखनऊ के स्कूलों का भी यही हाल है, अभिभावकों को अभी मैंने आपको बयान भी दिखाए हैं, अब तक नहीं पहुंची है। मुद्दा यही है कि अगर 1100 रुपए थे वो भी काफी थे और काफी भी मान ले तो अब तक लोगों के पास पहुंचे नहीं है, तो कब तक पहुंचेंगे? क्या गर्मी सर्दी निकल जाने का इंतजार करेंगे? क्या हमारे नौनिहाल सर्दी में ठिठुरे स्कूल जाएंगे? ये बड़ा प्रश्न है, जवाब लेते हैं इमरान जी बताइए। इमरान जी चले गए, चलिए दीक्षित जी आप ही जवाब ले लेते हैं कि अगर आपके मुताबिक 1100 काफी भी मान लेते हैं कि चलो काफी है, गुणवत्ता का सामान आ जाएगा जो स्कूल ड्रेस और बैग तमाम चीजें बताई गई हैं, पर सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक राशि पहुंच नहीं पा रही है। डिटेल ले ली गई है, कागज ले लिए गए हैं, सब कुछ व्यवस्था हो गई है, पर राशि पहुंचने में कब तक पहुंचेगी? क्योंकि जबकि इसके लिए सरकार 1800 रुपए का जो है वो बजट भी निर्धारित कर चुकी है, 1,60,00,000 बच्चे हैं टोटल, ये भी सब डिटेल जा चुकी है, पर अब तक राशि पहुंच क्यों नहीं पा रही? कहां पर लूपहोल हो रहा है? क्या अधिकारी दिक्कत दे रहे हैं या खाते की डिटेल नहीं मिल पा रही? क्या दिक्कत है? इसकी समीक्षा हुई है अभी तक? नहीं गौरव जी, इस बात पे मैं आपकी आपत्ति कर सकता हूं कि हमारी सरकार ने जो व्यवस्थाएं की हैं वो सुचारू रूप से चल रही है। और जो आपने बोला ना महामारी के दौरान, मैंने पहले भी कहा कि कहीं हो सकता है 2-4 जगह चैन
का जो है टूटी हो, उसकी हम उसको हम वहाँ वहाँ के लिए हमारे मुख्यमंत्री का सख्त निर्देश है क्योंकि वहाँ की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलाई जाए और शीघ्र अति शीघ्र, मैं मान सकता हूँ मैंने कहा ना जहाँ कहाँ नहीं पहुँचा है वहाँ शीघ्र अति शीघ्र जो है ड्रेस की व्यवस्था का प्रबंधन किया जाएगा। यह हमारी सरकार की मुख्य जो है परियोजनाओं में से एक है और समय पर उचित दर पे और गुणवत्ता वर्ग पूर्व जाड़ा आते आते और शीघ्र अति शीघ्र उनके पास व्यवस्थाएं पहुंच जाएंगी। तो आपके मुताबिक व्यवस्था पहुंच जाएंगी, अभी पहुंच नहीं पाई है या कहीं पर दिक्कतें हो रही हैं वो पहुंच जाएंगी। तो फिलहाल आप दोनों का धन्यवाद इस डिबेट में आने के लिए, इस चर्चा में आने के लिए। पर एक बात तो साफ है कि अभी भी ये मुद्दा साफ नहीं हो पाया है क्योंकि बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि 1100 रुपए है वो काफी है, उसमें भी सामान लेने के बाद कुछ पैसे बच सकते हैं। अब कौन सा बजट और किस जगह से खरीद के लाएंगे फिलहाल ये तो बात साफ नहीं हो पाई है। पर अगर इसको काफी भी मान लें तो अभिभावकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से अब तक ये राशि पहुंच नहीं पा रही है। कहीं ना कहीं अधिकारियों की इसमें हीला बहाली है जिसके कारण आज भी नौनिहाल केवल पुराने स्वेटर और पुराने ड्रेस को पहनने के लिए मजबूर हैं। अब फिलहाल आगे जाने भविष्य में या आने वाले समय में इस योजना को लेकर कितने नौनिहाल इससे लाभान्वित होंगे, कितने अभिभावकों के खाते में ये राशि जाएगी और किस राशि से किस तरह का उपयोग हो सकेगा ये तो फिलहाल एक प्रश्न रहेगा। पर सरकार की योजनाओं को मेन योजना बनाना जरूरी नहीं होता है, साथ ही इस योजना का क्रियान्वयन कितना हो रहा है इसके लिए भी समीक्षा जरूरी है क्योंकि जब तक आप योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं करेंगे उसकी समीक्षा नहीं करेंगे तब तक इस तरह की योजनाओं में खामियां पाई जाती रहेंगी। तो आज की वीकेंड चर्चा में इतना ही, अगली बार किसी विशेष मुद्दे के साथ फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।